क्योंकि वो न्यायपालिका का काम नहीं कर रही है, इसीलिए आज यहाँ पे आंदोलन पे बैठना पड़ रहा है। कुछ लोग इतने इंटाइटलमेंट के साथ लोगों को हैरेस करते हैं और अपने घर में आराम से सो रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर देश की बेटियाँ प्रोटेस्ट पे बैठी हैं, उनके सपोर्ट में इतने सारे लोग आए अपना काम छोड़कर। उस चीज़ को समझने में दिमाग को इतना टाइम लगता है, कॉग्निशन में इतना टाइम लगता है कि हुआ क्या मेरे साथ, उसमें वीडियो थोड़ी बनाया जाएगा। जब दिल्ली पुलिस इतनी आनाकानी FIR फाइल करने के लिए कर सकती है, तो क्या हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिल्ली पुलिस बिल्कुल अच्छे से इंक्वायरी करेगी महिलाओं के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न होता है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आज ये बोल रहे हैं कि राजनीति हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। उनके पास क्या सबूत है कि उन्होंने हरास नहीं किया है? जो पावरफुल है पार्टी में, अगर वो कुछ करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिसका पॉलिटिकल अप्रोच अच्छा है वो अगर कुछ करता है तो उसके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मैं ऐसी न्याय व्यवस्था के खिलाफ हूँ। जो हमारे रेसलर्स हैं, जो हमारे लिए इंटरनेशनल फील्ड में जाके पदक जीत के आए हैं, ये बड़ी शर्म की बात है कि आज उनको जंतर मंतर पे बैठना पड़ा है इंसाफ के लिए। उनको ये इनको इस देश का सबसे बड़ा वकील लेना पड़ा केवल FIR कराने के लिए। तो क्यों इस ब्रिजभूषण में, जिसमें इतने मुकदमे हैं, जो TV पे ये मान चुका है कि उसने मर्डर भी किया हुआ है, क्यों दिल्ली पुलिस, क्यों ये प्रशासन उसको बचाने में लगा हुआ है? मैं आज ऐसे सवाल पूछता हूँ। सबूत दे दिए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो, अरेस्ट हो, आप ये इमेजिन कीजिए कि जो इतना जो इस पुलिस को 3 महीने लग गए एक FIR फाइल करने के लिए, आज से 3 महीने पहले यही रेसलर आज जंतर मंतर पे बैठे थे, इनको 3 महीने लगे, सुप्रीम कोर्ट लगी इनको FIR फाइल करने के लिए। जब दिल्ली पुलिस इतनी आनाकानी FIR फाइल करने के लिए कर सकती है, तो क्या हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिल्ली पुलिस बिल्कुल अच्छे से इंक्वायरी करेगी? यहाँ पर इनकी तख्त आने नहीं दिए जा रहे, इनको मारा जा रहा है, इनको पीटा जा रहा है, तो यही दिल्ली पुलिस द्वारा अब किया जा रहा है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिल्ली पुलिस इनको इंसाफ देगी? तो बहुत ज़रूरी है कि एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए कोर्ट की संरचना में जो इसकी जांच करे। देखिए एक राजनीति, ये देखिए ना राजनीति क्या होती है, जो आज जो राजनीति कर रही है वो भाजपा कर रही है, इनके MLA को बचाने की कोशिश की जा रही है। यही लोग जब आज मेडल जीत के आते हैं तो क्या प्रधानमंत्री इनके साथ फोटो खिंचवा के राजनीति नहीं करते? पर आज जब ये अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, जब इस देश में खेल बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इस देश में महिलाओं के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न होता है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आज ये बोल रहे हैं कि राजनीति हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये आंदोलन चलेगा, लंबा भी चलेगा, तब भी ISA और पाकिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सॉलिडारिटी में रहेंगे। यहाँ पे राजनीति, जब कोई ऐसा इशू होता है, अगर वो असॉल्ट का है, हरासमेंट का है, उस पर अगर केस नहीं बन रहा है, तो राजनीति होना ना होना वाली बात नहीं होती, वो पॉलिटिकल है ही, वो ए पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं है ये शुरुआती से। इसको आप ए पॉलिटिकल बोल के ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएंगे या बात नहीं करेंगे। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सॉलिडारिटी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर मुद्दे पर खड़ा होता है वो साथ में, तो यहाँ पर भी आके आएगा ही, खड़ा होगा साथ में। अगर न्यायपालिका काम करती तो ये सिचुएशन ना होती। FIR दर्ज सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद दर्ज कराई है, अगर बाय लॉ तो उनको एकदम उसी टाइम दर्ज करानी चाहिए थी जब आए थे वो लोग दर्ज करवाने के लिए, लेकिन नहीं करवाई गई क्योंकि वो न्यायपालिका काम नहीं कर रही है, इसीलिए आज यहाँ पे आंदोलन पे बैठना पड़ रहा है। डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ये कैसा आरोप है? आंदोलनजीवी क्या होता है? सरकार का डिसेंट और मतलब डिसेंट एंड डिसओबीडियंस तो मतलब डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है ना, तो ये बोलना। तो अब अगर किसी को डेमोक्रेसी का मूल समझ नहीं है, जैसे नरेंद्र मोदी जी डेमोक्रेसी को एक इलेक्शन के लेवल तक बस रिड्यूस कर देते हैं, तो अब उनकी तो यही समझ होगी ना आंदोलनजीवी, डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट इलेक्शंस, इट इज़ अ बिगर लुक एट द बिगर पिक्चर, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू इलेक्शंस। इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। अब फार्मर्स प्रोटेस्ट का देखिए, एक साल तक बैठे थे ना फार्मर्स, उस टाइम भी हमें यही लग रहा था कि क्या इंसाफ मिलेगा, लेकिन आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट ने हटाए ना वो 3 फार्म लॉज, तो ऐसे ही ना ये हिलेंगे ना हम हिलेंगे। मेरा एग्ज़ाम है, मैं फिर भी यहाँ पर आई हूँ इनके सपोर्ट में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और ये देश के हर एक कोने, हर एक नागरिक तक पहुँचना चाहिए कि किस तरीके से कुछ लोग इतने इंटाइटलमेंट के साथ लोगों को हैरेस करते हैं और अपने घर में आराम से सो रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर देश की बेटियाँ प्रोटेस्ट पे बैठी हैं, उनके सपोर्ट में इतने सारे लोग आए अपना काम छोड़कर। आज के टाइम पे किसी के पास भी फ्री टाइम नहीं है।
अब ये एक पॉलिसी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि अब हरास होते हुए आप वीडियो, अगर आपको कोई यहाँ हरास करेगा तो आप वीडियो थोड़ी बनाएंगे। उस टाइम इतना इमोशनली स्ट्रांग कोई नहीं होता कि हरासमेंट के टाइम पे वीडियो बना रहे हैं। उसको समझने में इतना देर लगता है कि मेरे साथ हुआ क्या है, उस चीज़ को समझने में दिमाग को इतना टाइम लगता है, कॉग्निशन में इतना टाइम लगता है कि हुआ क्या मेरे साथ, उसमें वीडियो थोड़ी बनाएगा कोई। मतलब ऐसा उनका कहने का मतलब ये है कि तुमको कोई हरास करे तो तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए कि तुम फोन लेके वीडियो बना लो एविडेंस के लिए। नहीं, नहीं होना चाहिए। उनके पास क्या सबूत है कि उन्होंने हरास नहीं किया है लोगों को? लगातार ये आरोप लगते रहे इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर कि कुछ खास परिवार है वही आंदोलन कर रहा है, बाकी सारे लोग तो पहलवान है वो घर में है। कैसे देखते हैं इसको? जो छेड़छाड़ हुई है वो सबके साथ तो हो नहीं सकती है, तो जिसके साथ हुई वो पहले आएगा और उसके साथ अगर अदर लोग भी साथ देंगे तो वो लोग भी सामने आएंगे। जैसे ये आंदोलन केवल किसी पर्टिकुलर परिवार से नहीं है, मैं नहीं मानता इसको। ये देश में आप जैसे है ना, अगर जिसके घर में आग लगेगी तो पहले पड़ोसी आते हैं, है ना, ना कि पहले दूर के लोग आएंगे। तो अभी जिसके साथ वो हुआ है वाकया, वो पहले यहाँ पे आया है, अब उनके समर्थन में आदर पहलवानों को भी आना चाहिए। इसको पॉलिटिक्स से जोड़ के या इसके केवल किसी एक पार्टी के खिलाफ है यहाँ आंदोलन हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। वो ये आंदोलन एक ऐसी न्याय व्यवस्था के खिलाफ हो रहा है जिसमें अगर एक कोई बड़ा जो पावरफुल है पार्टी में अगर वो कुछ करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जैसे अगर पॉक्सो एक्ट के तहत इनके ऊपर केस दर्ज हुए थे तो उसमें प्रावधान है कि 24 आवर्स के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। यस, नहीं भरोसे, हाँ ये वाकया देख के तो ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो मतलब सरकार की सारों पे चलती है। अगर जैसे कोई भी चाहे एक आम इंसान हो चाहे एक कोई भी इंसान हो, सबके लिए कानून बराबर होता है। अगर ब्रिज भूषण के ऊपर ऐसा आरोप लगा, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुई, हाँ मैं ब्रिज भूषण के खिलाफ हूँ, ऐसी न्याय व्यवस्था के खिलाफ हूँ जिसमें एक आम इंसान अगर कुछ करता है तो उसके ऊपर तुरंत बिना मतलब जैसे मुकदमा दर्ज होता है उसके तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन एक कोई बड़ा इंसान अगर जिसका पॉलिटिकल अप्रोच अच्छा है वो अगर कुछ करता है तो उसके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मैं ऐसी न्याय व्यवस्था के खिलाफ हूँ और वो कोई भी पार्टी होती मैं उसके खिलाफ रहता।